Good morning, girls. Today's topic is system. बहुत जनरल टर्म्स में बात करें तो सिस्टम क्या चीज है? व्हाट इज अ सिस्टम? अगर मैं बुकिश लैंग्वेज पे जाऊं तो सिस्टम इज अ टर्म डिराइव्ड बाय द टर्म सिस्टमा, विच मींस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स टू ऑब्टेन सम आउटपुट. क्लियर? बट बुकिश लैंग्वेज है, इसको नॉर्मल तरीके से समझें तो सिस्टम क्या चीज़ है? जब भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो हम उस पूरे पर्टिकुलर फॉर्मेशन को एक टर्म देते हैं, दैट टर्म इज सिस्टम. और छोटे तरीके से बात करते हैं. आई सपोज आप सब ने साइकिल चलाई होगी. साइकिल के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे दो टायर, एक हैंडल, एक सीट, और यहां से कुछ कनेक्टिविटी होती है एक पैडल की, और यहाँ टायर पे एक होता है और इसमें एक चेन लगी रहती है. कुछ ऐसा ऑर्डरली कनेक्शन होता है साइकिल का. बहुत खराब मेरी ड्राइंग है इस समय, बट अगर मैं बात करूं, मैं ये चेन हटा दूं, तो क्या साइकिल प्रॉपरली चली या चल पाएगी? जवाब मिलेगा, सर मैं पहले उसको चढ़ाई पे ले जाऊं, वहां चेन हटा दूं, ढाल पे उतार दूं, तो साइकिल बिल्कुल चलेगी. बिल्कुल चलेगी, लेकिन क्या आप उसे प्लेन पे चला पाएंगे? क्या वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नहीं. दूसरा तरीका ये, हम पैर से धकेले उसे, बट वो भी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. पैडल क्यों दिए गए थे? कि हमारा काम कम हो, कम वॉकिंग में या कम पैडलिंग में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके. हाँ, एक और चीज होती है, ब्रेक्स. ब्रेक का काम है साइकिल को रोकना. सब कुछ लगा छोड़ देते हैं, ब्रेक हटा देते हैं, तो रोकने का इंडियन तरीका भी है, ले जाइए कहीं ठोक दीजिए. कोई आदमी जा रहा है, उसके पीछे ले जाके एकदम भड़ाम, हम रुक गए. नहीं, कई मूवीज में दिखाया गया साइकिल लेके चलते चलते एकदम गिर गए, किसी ने पूछा चोट तो नहीं लगी? नहीं भाई साहब, रोज का है ये, उतरने का तरीका है मेरा, यह साइकिल रोकने का तरीका है, बट ये प्रॉपर वे नहीं है ना. अच्छा, ब्रेक भी लगा देते, सब कुछ लगा देते, हैंडल हटा देते, कैन यू बैलेंस? सर सर्कस में तो देखा है, बट वो गेम खेल रहे हैं, वो उसका अदर यूज कर रहे हैं. उसका क्या बेसिक जो रेगुलर यूज है, क्या वो कर रहे हैं? नहीं. साइकिल का रेगुलर यूज क्या है? हैंडल इज फॉर बैलेंस, ब्रेक वहीं पर हम फिक्स करते हैं, ब्रेकिंग के लिए भी है. सीट टू गिव यू अ प्रॉपर बैलेंसिंग इन बिटवीन पैडलिंग. आप एक प्रॉपर सीटिंग पॉस्चर हो आपके पास, एक कंफर्टेबल पॉस्चर हो जिसमें आप पैडलिंग कर सके. पैडल्स टू गिव स्पीड टू द रियर टायर विच विल पुश द फ्रंट टायर, जिससे आपको एक मोमेंटम मिलेगा, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकेंगे. क्लियर? तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहेंगे? एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स टू फुलफिल अ कॉमन गोल, दैट मीन्स फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू अनदर. दिस इज अ सिस्टम, अ बेसिक सिस्टम. ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है. कुछ नेचुरल है, जैसे हमें इकोसिस्टम मिला हुआ है. इकोसिस्टम में प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर आता है, हम खुद आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और हर एक का काम क्या है? बैलेंस करना इकोसिस्टम को. अगर कोई भी एक चीज कम या ज्यादा हो जाए तो शायद बैलेंस बिगड़ जाएगा. आप किसी भी नेचुरलिस्ट से पूछिए, वो बताएगा नहीं, एक चींटी भी बहुत जरूरी है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रही है. वल्चर्स के खत्म होने पर सबने बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो की थी नेचुरलिस्ट ने. क्यों? क्योंकि वल्चर का काम होता है जो नेचुरल प्लेसेस पे बॉडीज डिकम्पोज हो रही हैं, उसको खत्म करना. अगर वो खत्म नहीं करेगा तो उस डिकम्पोजिशन से क्या होगा, उतने एरिया की जो एयर है वो पॉल्यूट करेगी, सॉइल पॉल्यूट करेगी, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे पड़ेगा. सांप निकलता है तो लोग कहते हैं सांप को मारना चाहिए, लेकिन नेचुरलिस्ट कहते हैं सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर सांप खत्म हो गए तो चूहे बढ़ जाएंगे, मेंढक बढ़ जाएंगे, फसल खराब होगी. ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं. ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है हमारे सर्वाइवल का, दूसरी ब्रीड्स के सर्वाइवल का. तो इकोसिस्टम क्या हो गया? एक बहुत बड़ा सिस्टम जिसके अंदर हम सब सर्वाइव करते हैं. क्लियर? तो अगर हम अब वापस बुक पे आते हैं, ये तो एक जनरल व्यू में हमने आपको समझाया सिस्टम क्या होता है. अगर मैं
जनरल टर्म्स से थोड़ा सा अलग हटू, थोड़ा सा साइंटिफिक आऊं, थोड़ी सारी चीजों पे आऊं, तो कहते हैं सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट। दिमाग में आएगा इस तरह तो कंप्यूटर सिस्टम का आप बता रहे हैं, नहीं, इन जनरल कोई भी सिस्टम हो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। साइकिल का एग्जांपल लेते ना, साइकिल हम लोग भी चलाई थी, इनपुट हमने क्या दिया, हमने मैन पावर इनपुट दिया, हमने पैडलिंग की, पैडलिंग से क्या हुआ, प्रोसेस में आई है, आपने पैडल किया तो पैडल ने एक मैकेनिक्स को ऑन किया, दैट इज जो पैडल है, पैडल से जो चेन कनेक्टेड है वो रियर टायर में लगे, फ्रीविल पे गई, फ्रीविल को उसने आगे की ओर खींचा, फ्रीविल फिक्स था रियर टायर के साथ, तो फ्रीविल तो नहीं खींचा, पूरा पूरा टायर रोटेट हुआ, ये प्रोसेस भी। उसका आउटपुट मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, साइकिल एक जगह से स्टार्ट हुई और दूसरी जगह जाके चलने लगी। फिर मैंने प्रोसेस किया, मैंने प्रोसेस क्या किया, मैंने ब्रेक सप्लाई किए, ब्रेक सप्लाई किए तो क्या हुआ, प्रोसेस क्या जनरेट हुई, जो रोटेटरी मोशन था उस पर हमने कहीं ना कहीं एक ऐसा मोशन लगाया जो उसको रोकने लगा, ठीक है, पुल बैक, ब्रेक्स उस टायर को पुल बैक करने लगते हैं। जब पुलिंग बैक हुई तो आउटपुट में क्या मिला मुझे, जो ये मोमेंटम था ये रुक गया, साइकिल रुक गई। दिस इज ऑल अबाउट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जनरल डायग्राम है। अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं तो मैं इसको कहूंगा दिस इज एन एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट के अंदर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, उस एनवायरमेंट में यहां पर कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ फिल्टर्स हैं। एक क्वेश्चन मैंने बहुत कॉमनली सब बच्चों से सुना है कि सर मैं इस डॉटेड लाइन को बाउंड्री भी मार्क कर रहा हूं, इस डॉटेड लाइन को मैं फिल्टर भी मार्क कर रहा हूं, ऐसा क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, आप में से कई लोग रो हाउसेस में रहते होंगे, रो हाउसेस मींस ग्राउंड फ्लोर पे घर होगा और बाउंड्री होगी घर के बाहर, और उस बाउंड्री पे एक गेट लगा होगा, किसी को एंटर करना है तो पहले वो बेल बजाएगा, आप गेट के, आप अपने घर के दरवाजे से निकलोगे, देखोगे कौन है, अगर आप पहचानते हो गेट खोलोगे आने दोगे, वो बाउंड्री क्या कर रही है? आप उसी एनवायरमेंट में हो ना, आप कॉलोनी में रह रहे हो, दैट इज द एनवायरमेंट, आप वहां रह रहे थे, आपके घर के बाहर बाउंड्री वॉल बनाई गई, दैट इज टू डिस्क्रिमिनेट अदर्स फ्रॉम योर प्लेस, आपको दूसरों से सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ बाउंड्री बनाऊं, आप घर में घुस गए, घर में घुसने के बाद आपने बाउंड्री खींच दी 10 फीट की, खाना लेने कैसे जाओगे, काम पे कैसे जाओगे? यानी कहीं ना कहीं आपको अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट भी करना है ना, बिना इंटरेक्ट किया आप आइसोलेट होके क्या होगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो जाओगे, गो एंड गॉन, मर जाओगे आप। क्यों? क्योंकि उस सर्वाइवल पे डिपेंड करता है कि आपका फूड कैसे आपको मिलेगा, आपको वाटर कैसे मिलेगा, आपका ब्रेन कैसे वर्क करेगा, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुछ फिल्टर्स, वो जो घर की बाउंड्री पे गेट लगाया आपके यहाँ, वो फिल्टर है, वो ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्सटर्नल एलिमेंट्स को आप अपने घर में आने दोगे, या वो कौन से एक्सटर्नल, वो कौन सी चीजें हैं जो आप एनवायरमेंट के साथ शेयर करोगे, दैट इज फिल्टर। फिल्टर का काम होता है एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन सिस्टम के साथ करना, और ये क्यों जरूरी है ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। वहां पर दो तरह के सिस्टम है, एक सिस्टम है ओपन सिस्टम, एक सिस्टम है क्लोज सिस्टम, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब आपको इस चीज को क्लियर होगा कि इस फिल्टर का क्या रोल है। क्लियर?